वर्ड को समझना कि मैं क्या मेंशन कर रहा हूं। बाइनोमियल दो टर्म है और उस पे पावर एन है, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि ए प्लस बी है, दो टर्म आ गया और इस पे पावर एन कर दिया, तो क्या मैं इसका एक्सपेंशन कर सकता हूं? टेंथ इलेवेंथ स्टैंडर्ड में कुछ एक्सपेंशन इसका पढ़ा था, क्या है वो एक्सपेंशन? एन सी जीरो ए रेस टू जीरो बी रेस टू एन प्लस एन सी वन ए रेस टू वन बी रेस टू एन माइनस वन प्लस अप टू प्लस एन सी एन ए रेस टू एन बी रेस टू जीरो, ऐसा कुछ एक्सपेंशन पढ़ा था। अगर मैं ए और बी की जगह पर सबस्क्रिप्ट पी और क्यू यूज कर लूं, तब पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वेरिएबल ही तो है पी क्यू, सभी जगह पे पी और क्यू से रिप्लेस कर लिया। अब मैंने आपसे बोला कि कोई एक एक्सपेरिमेंट है और उसमें दो इवेंट है, एक सक्सेस होना और एक फेलुअर होना। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे मार्केट जाना है और मैं मार्केट पहुंच जाऊं किसी भी तरीके से, तो वो मेरा सक्सेस कहलाएगा। हमारे पास दो ही इवेंट हो सकते हैं, आइदर मैं सक्सेस हूंगा, मैं मार्केट पहुंच पाऊंगा, और आइदर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो पहुंचने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है और नहीं पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्यू है, तो दोनों का समेशन वन होना चाहिए। सो एक को मैंने पी से डिनोट किया और एक को क्यू से डिनोट किया, एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और एक फेलुअर की प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों का समेशन वन होगा। और वन पे पावर कितने गिए हैं? एन। क्या ये एग्जैक्टली वन है? यस, क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन होता है। अब इस वन पे पावर एन, एन की वैल्यू कितनी होगी? 10, 12, 15, 20, 1000, 2000, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट ही होगी। तो वन पे कितने भी पावर कर दूं, ये वन ही रहेगा। सो ये वैल्यू वन है, और ये वैल्यूज हमें पता है कि अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी किसी न किसी प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। अगर ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो इधर वाले सारे टर्म किसी न किसी प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं। अगर ये सारे के सारे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं, तो ईच टर्म कुछ ना कुछ अपना एक सिग्निफिकेंस रखता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें पी एग्जैक्टली वन टाइम आया है, सेकेंड टर्म में पी एग्जैक्टली वन टाइम आया है, इसके अलावा कोई भी दूसरा टर्म नहीं होगा। इट मीन्स ये उस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है जिसमें एग्जैक्टली वन टाइम सक्सेस हो रहा है। समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि कहां से जनरेट हो रहा है? सो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट में जो टर्म्स लिखेंगे, उन सारे टर्म्स को एक एक करके लिख लेते हैं। पहले पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुअर, सच डेट पी प्लस क्यू जो है वो वन है, ये होना नेसेसरी है। एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स, सेम सर्कमस्टांसेस में हमें उसी इवेंट को बार बार, उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस, कितने नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए? एग्जैक्टली आर। So, हम लोग लिखेंगे एन सी आर, हमारे पास वन सक्सेस था तो एन सी वन आ रहा था, अगर आर सक्सेस है तो एन सी आर। सक्सेस के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? पी। सो पी रेस टू आर एंड क्यू रेस टू एन माइनस आर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस होगा। और इसी से हमें यह चीज भी सीखने को मिल रहा है कि अगर बाय द वे कभी भी ऐसा रह गया एन सी आर P raise to R, Q raise to N minus R, और इसका summation R is equal to 0 to N, R कहां से start हो रहा था? N C 0, और कहां तक जा रहा था? N C N तक, तो R की value 0 to N तक हो और ऐसा कुछ summation दिया हो, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये sum of the probability है। Expectation, it means mean value, एक्सपेक्टेशन इट मीन्स मीन वैल्यू। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं मीन वैल्यू की बात करूं, एक्सपेक्टेशन की बात करूं, तो ई एक्स से डिनोट करते हैं, और ई एक्स, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है। यहां पे रैंडम वेरिएबल क्या था जो हमने यहां पर लिखा है? इसमें रैंडम वेरिएबल क्या है? कौन सा चेंज हो रहा है? टर्म आर ना, तो रैंडम वेरिएबल यहां पर क्या है? आर। तो इस रैंडम वेरिएबल आर के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन निकालेंगे किस तरीके से? सिग्मा आर पी आर x px, pr क्या है? ये वाला टर्म, इस वाले टर्म को r के साथ मल्टीपल किया, और r की वैरी कहां से करना है? 0 टू
एन तक, जब ये कैलकुलेशन पूरा करते हैं तो ये सम निकल कर आता है एन इंटू पी। एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, इट मीन्स ई आर स्क्वायर, ई आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सिग्मा आर स्क्वायर पी आर से, आर इज इक्वल टू जीरो टू एन लेकर। इसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास डेटा आता है एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। कैलकुलेशन काफी लेंदी है करने का, मैं यहां पर डिराइवेशन कर सकता हूं लेकिन वो कम से कम आधे घंटे कंज्यूम कर लेगा और वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि वो आया कहां से। सो हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट मेंशन कर रहे हैं। वेरिएंस, सो वेरिएंस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे दिस माइनस दिस स्क्वायर, सो एन स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एन पी क्यू, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुअर। राइट डाउन द क्वेश्चन, इफ अ फेयर क्वाइन, इफ अ फेयर क्वाइन, फेयर फेयर, इफ अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड सिक्स टाइम्स, इफ अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड सिक्स टाइम्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डेट देयर विल बी एग्जैक्टली टू हेड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डेट देयर विल बी एग्जैक्टली टू हेड्स। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है या नहीं, क्योंकि लैंग्वेज में ऐसा मेंशन नहीं रहेगा। एक फेयर क्वाइन को सिक्स टाइम टॉस किया गया है, इट मीन सेम क्वाइन को बार बार टॉस करना रिपीटेड ट्रायल का केस है, रिपीटेड ट्रायल का केस है, इट मीन बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो हमें डेटा चाहिए होगा, सबसे पहले कितनी बार रिपीट हुआ है ट्रायल, एन इज इक्वल टू सिक्स। हमें सक्सेस बताना पड़ेगा कि सक्सेस क्या है, तो हेड आना सक्सेस है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में काउंट करूंगा। एक क्वाइन को टॉस करना हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन बाई टू, तभी जब वो क्वाइन फेयर हो, दिया हुआ है फेयर क्वाइन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपियरिंग हेड इज वन बाई टू, और हेड आना ही मुझे चाहिए, इट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी वन बाई टू होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूअर क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी इज इक्वल टू वन बाई टू। अब हमें कितने सक्सेस चाहिए, एग्जैक्टली टू, इट मीन्स आर इज इक्वल टू टू के लिए सोल्व करना है, आर इज इक्वल टू टू के लिए सोल्व करना है, तो एन सी आर सिक्स सी टू, पी रेस टू आर वन बाई टू रेस टू टू, क्यू रेस टू एन माइनस आर, क्यू इज वन बाई टू एन माइनस आर फोर, डेट इज सिक्स सी टू वन बाई टू रेस टू सिक्स इज द आंसर। इफ अ अनफेयर क्वाइन, इफ अ अनफेयर क्वाइन हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अपियरिंग हेड, इफ अ अनफेयर क्वाइन हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अपियरिंग हेड एज वन बाई थ्री, एज वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फाइव टाइम्स, इफ, नेक्स्ट लिखिए, इफ कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल डेट काउंट्स नंबर्स ऑफ अपियरेंस ऑफ हेड, नंबर ऑफ अपियरेंस ऑफ हेड, देन
मीडियन ऑफ एक्स इज, देन मीडियन ऑफ एक्स इज, एक्स का मीडियन क्या होगा? इसी क्वेश्चन में हम लोग मॉड भी कैलकुलेट कर लेंगे ताकि दोनों एक साथ में खत्म हो। पहले मुझे रैंडम वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इस रैंडम वेरिएबल में क्या काउंट करना है हमें, कितनी टाइम हेड आ रहा है। तो अगर हम 5 बार क्वाइन को टॉस करें तो मैक्स टू मैक्स कितनी बार हेड आ सकता है? 5 बार। मिनिमम कितनी बार? 0 बार। तो एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जिसमें नंबर ऑफ हेड काउंट कर रहा हूं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स ट्रायल है, एन इज इक्वल टू 5 है, सो 5 टाइम्स से ज्यादा तो हेड नहीं मिल सकता। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड ट्रायल का केस है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस या एक्स सक्सेस, कितने सक्सेस हैं? 0। 5 में से कितने चाहिए? 1 भी नहीं। सो 5c 0। सक्सेस किस में काउंट हो रहा है? हेड में। हेड के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3। हेड के लिए कितना लिखा है मैंने? 1/3 लिखा है। चलो हेड के लिए 1/3। सो 5c 0, 1/3। तो टेल के लिए क्या हो जाएगा? 2/3। सो 2/3 रेज टू 5, इस पे पावर कितने हैं? 0। ये 0 और ये 5, ये एक्स इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग हो रहा है। सो ऐसे ऐसे सारे कैलकुलेशन, पी आर इज इक्वल टू 5 cr 1/3 रेज टू r 2/3 रेज टू 5 माइनस r के लिए कीजिए, और वो डेटा लिखकर यहां पर रखिए कि क्या क्या आ रहा है। 0 के लिए आ रहा है हमारे पास डेटा 1/3 रेज टू 0 और 2/3 रेज टू 5। सेकेंड वाले में कैलकुलेट करें तो 5 × 1/3 2/3 रेज टू 4। अगर 2 के लिए कैलकुलेट करें तो 10 1/3 स्क्वायर 2/3 क्यूब। 3 के लिए कैलकुलेट करें तो 10 1/3 क्यूब 2/3 स्क्वायर। अगर मैं 4 के लिए कैलकुलेट करूं देन 5 1/3 रेज टू 4 2/3 रेज टू 1। अगर 5 के लिए कैलकुलेट करूं तो 1/3 रेज टू 5 2/3 रेज टू 0। ये कैलकुलेशन आ रहा है। अब इन सबको पॉइंट के फॉर्म में लिख लो ताकि हमें कैलकुलेशन साफ साफ पता चले। 2/3 रेज टू 5 कीजिए कैलसी पे। 0.31 ठीक है, 3 डिजिट तक लिख लेते हैं अपन। दूसरे वाले का 0.23 3292 तक लिख लिया, ठीक है। 0.329 थर्ड वाले के लिए 0.329 थर्ड वाले, फोर्थ वाले के लिए 0.1644 नेक्स्ट वन, ये 0, 1, 2, 3 4 के लिए क्या आ रहा है और 5 के लिए क्या? 10^-3 और 5 के लिए 0.041। चलो आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन करने के लिए, हमें ऐसे भी 0.0041 कुछ ऐसा आ रहा है। चलो छोड़ो, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसके कैलकुलेशन की, ठीक है। हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं यहां पर देखो तो 0.131 है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितने डेटा आ रहा है? 0.5 से ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, इट मींस हमें इस पे ऊपर जंप करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो वो 0.5 नहीं है, तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करना पड़ेगा। मैंने इन सभी को ऐड कर लिया तो हमने देखा कि ग्रेटर देन 0.5 हो रहा है, इट मींस ये ऐसा टर्म है इसके कोरस्पॉन्डिंग वाला ही मीडियन देगा। तो मीडियन क्या हो गया? 2। सो मीडियन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब मुझे मॉड बताना है। मॉड वो टर्म होगा जिसपे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये तो कम है, ये ज्यादा है, और ये दोनों इक्वल है, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी कम ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इट मींस ये दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये फंक्शन बाई मॉडल फंक्शन हुआ, एक से ज्यादा मॉड एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों वैल्यू सेम ही है, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है।
In an experiment, positive and negative values are equally likely to occur. The probability of obtaining at most one negative value in five trials. Binomial. Positive value. Question number है ये 15. इसमें positive value और negative value की बात हो रही है. ठीक है. दोनों equally likely to occur है. तो positive value के occur होने की probability 1/2. Negative value को occur होने की probability 1/2. अब question में mention किया है the probability of obtaining at most one negative value. तो हमारी चाहत क्या है? Negative आना. It means success की probability किसको consider करेंगे? Negative के आने को. नेगेटिव पूछा है ना क्वेश्चन में, तो नेगेटिव के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. सो p इज इक्वल टू 1/2. सिमिलरली q इज इक्वल टू 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली r सक्सेस इज गिवन बाय ncr p रेज टू r q रेज टू n माइनस r. यहां पर कितने सक्सेस चाहिए? एट मोस्ट वन. मतलब 1 और 1 से कम. कम कितने तक हो सकते हैं? 0. It means हमें चाहिए P R is equal to 0 plus P R is equal to 1. N की value दिया हुआ question में, कितने trials चाहिए हमें? 5. So trials is equal to 5 लेना है. N is equal to 5 लेना है. बाकी तो substitution बचा, आप उस calculation ही है. हमें 10 toss लेना है. T1, T2 up to T10, 10 टॉस लेना है. इसमें से फोर्थ हेड यहां पे अपीयर होना चाहिए. H4, फोर्थ टाइम हेड यहां पे अपीयर होना चाहिए. मतलब ये तो फिक्स हो गया कि यहां पर मुझे हेड ही चाहिए. तो बाकी के बचे 9 में एग्जैक्टली कितने हेड चाहिए? 3. इसमें 3 H चाहिए, H1, H2 और H3. इट मींस 9C3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, raise to 3, tail आने की probability 1/2, so raise to 6 into 1/2. last वाले में तो head आएगा, तभी तो success होगा. तो इसमें head आया, उसकी probability 1/2.